सुगेश अभी के टाइम पे फ्री फायर के अंदर ऐसे काफ़ी सारे प्लेयर हैं जिनकी फ्री फायर की आईडी सस्पेंड हो गई है या फिर बोल सकते हो कि एक तरफ से बैन हो गया। वैसे तो गैस ये वीडियो मैं काफ़ी लेट से बना रहा हूँ लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोग का इस चीज़ के ऊपर मुझे इंस्टा पे DM आ चुका है तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना ही दिया जाए। तो अगर आपकी भी कोई एक ऐसी आईडी है जो कि यहाँ पे सस्पेंड हो चुकी है और जब आप उसको ओपन करते हो तो कुछ इस टाइप का शो करता है तो आज के इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा क्योंकि आज मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगा कि आखिर गरीना जो है वो फ्री फायर की आईडी बैन क्यों कर रहा। इसके अलावा अगर आपकी फ्री फायर की आईडी बैन हो चुकी है तो यहाँ पे मैं आपको 2 से 3 तरीका बताऊंगा जिसको आज के आज आपको यूज़ करना है जिससे कि आपकी फ्री फायर की आईडी जो वो वापस से आ सकती है। ओके तो गाइस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को ऑल पे सेट कर देना ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो फटाफट से करते वीडियो का स्टार्ट बिना किसी तरीके। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सुकेश वैसे तो फ्री फायर के अंदर ऐसे काफ़ी सारे रीजन हैं जिसके वजह से आपकी आईडी बैन हो सकती है बट यहाँ पे मैं आपको टॉप 2 रीज़न बता रहा हूँ। सबसे पहले गैस जो कि आपको पता होगा वो है गैस यहाँ पे हैक यूज़ करना। अगर आपने अपनी आईडी पे कभी भी किसी भी तरह का हैक यूज़ किया चाहे वो छोटा सा हैक हो या फिर बड़ा हैक हो, हेडशॉट हैक, वॉल हैक, मूवमेंट स्पीड हैक, किसी भी तरीके का हैक यूज़ किया है तो आपकी आईडी कभी ना कभी बैन हो जाएगी, कभी ना कभी आपकी आईडी पे भी इस टाइप का ऑप्शन शो कर जाएगा। ओके इसके अलावा गैस यहाँ पे दूसरा नंबर 2 पे गैस आता है ग्लिच यूज़ करके रैंक पुश करना। आपने देखा होगा कि अभी के टाइम पे ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो कि ग्लिच को यूज़ करके रैंक पुश करते हैं, रीजन पे रहते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि CS रैंक के अंदर ग्लिच यूज़ करके 9-9 स्टार्ट कर लेते हैं, मतलब कि रैंक पुश करते हैं। ओके अच्छा हमको सिखा दिया है। सुकेश यहाँ पे ये 2 टॉप रीज़न है जिसके वजह से अभी के टाइम पे काफ़ी सारे लोगों की आईडी बैन हो रही है। और इसके अलावा गैस यहाँ पे और भी कुछ रीज़न है जो कि अगर आप लोग यूज़ करते हो तो आपकी आईडी बैन होगी बट गैस यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी आईडी फालतू में बैन हो चुकी है, मतलब कि उन लोगों ने अपनी आईडी के साथ कोई भी हैक वगैरह यूज़ नहीं किया तो कोई भी गलत काम नहीं किया बट फिर भी उन लोगों की आईडी जो है वो बैन हो चुकी है किसी गलती के वजह से या फिर बोल सकते हो किसी खराबी के वजह से। ओके तो गाइस यहाँ पे अब जो है आप लोगों को क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे 2-3 तरीके मैं आपको बताऊँगा जो कि आपको आज के आज ही कर लेनी है। ओके बट गाइस यहाँ पे मैं बोल दूँ कि अगर आपने अपनी आईडी के साथ हैक यूज़ किया था या फिर ग्लिच वगैरह यूज़ किया था तो आगे का वीडियो देखने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है क्योंकि अगर आपने अपनी आईडी में हैक यूज़ किया या फिर ग्लिच वगैरह यूज़ किया, मतलब कि कोई भी गलत तरीका यूज़ किया तो आपकी आईडी अनबैन नहीं हो सकती चाहे आप कुछ भी कर लो। ओके यहाँ पे गैस मैं आपको एक बात और बता दूँ, काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि वी बैच का यूट्यूबर चाहे तो वो किसी की आईडी को अनबैन करा सकता है बट गैस मैं आपको बोल दूँ ऐसा नहीं होता है। चाहे कोई भी यूट्यूबर हो, कितना भी बड़ा यूट्यूबर हो, वी बैच वाला हो या फिर ऐसा ही हो, उसके हाथ में नहीं है कि वो किसी के आईडी को अनबैन करा सके। ओके तो यहाँ पे गैस आप लोग ये चीज़ अच्छे से समझ लो कि कोई भी वी बैच वाला यूट्यूबर आपकी आईडी को अनबैन नहीं करा सकता अगर आपने अपनी आईडी में हैक यूज़ किया है तो। ओके ये भगवान क्या जुल्म है। सुकेश यहाँ पे अब मैं आपको 2-3 तरीके बता रहा हूँ और गैस ये तरीके जो है उन लोगों को यूज़ करना है जिनको लगता है कि मेरी जो फ्री फायर की आईडी है वो फालतू में बैन हो चुकी है किसी गलती के वजह से, मतलब कि गरीना की गलती के वजह से। ओके तो गैस यहाँ पे देखो सबसे पहले तो गैस आपको जो है एक एप्लीकेशन टाइप का बोले तो नोटिस टाइप का लिखना है कुछ 5-6 लाइन में, ज़्यादा बड़ा भी नहीं। ओके और इसमें गैस आपको ये बताना है सबसे पहले तो आपको गैस यहाँ पे जो अपनी UID है वो भी लिखना है और इसी के साथ गैस जो आपका गेम में नाम था वो लिखना है। ओके और यहाँ पे गैस नोटिस में सिंपल सा आपको ये लिखना है कि भाई मेरा जो फ्री फायर की आईडी है वो मतलब कि फालतू में बैन हो चुकी है, मैंने कोई भी हैक वगैरह यूज़ नहीं किया था तो प्लीज़ मेरी जो आईडी है उसको अनबैन करा दे। ओके आप ये जो आपको जो है ये इंग्लिश में लिखना है, अगर आपको लिखना नहीं आता तो देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, आप देख सकते हो, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर के इस टाइप का कॉपी भी कर सकते हो। ओके लेकिन यहाँ पे जो UID है और जो नेम है वो आपको खुद का लिखना है जो आपकी आईडी पे था वो। ओके इसके अलावा कैसे यहाँ पे क्या करना है, जो अभी आप लोग जो आईडी आपकी बैन हुई है उसको जब ओपन करते हो तो वहाँ पे जो भी दिखता है उसका आपको एक स्क्रीनशॉट भी ले लेना। ओके
ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले गैस यहाँ पे देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ एक ईमेल आईडी जो कि गरीना की टीम का है। सबसे पहले तो गैस आपको जो है इस पे एक मेल कर देनी है स्क्रीनशॉट ऐड करके। ओके, यहाँ पे गैस मैं आपको बता दूँ कि जो भी मैं आपको काम बता रहा हूँ यहाँ पे करने के लिए वो आपको एक बार करना है, बार बार, तीन चार बार, पाँच छः बार नहीं करनी। ओके, एक बार ही करना है। ओके, तो यहाँ पे गैस सबसे पहले काम तो ये हो गया। इसके अलावा अगर आप लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो जाके गैस इंस्टा पे पोस्ट करो और फ्री फायर के जो ऑफिशियल है उनको टैग कर लो। ओके, या फिर गैस यहाँ पे अगर आप लोग ट्विटर यूज करते हो तो आप लोग ट्विटर पे भी कर सकते हो। ओके, बट यहाँ पे गैस सबसे मोस्ट चीज़ ये है कि आपको देखो गैस यहाँ पे आपको जाके गूगल पे सर्च करना FF सपोर्ट। ओके, अब गैस यहाँ पे आपको एक वेबसाइट मिलेगा गरीना का ऑफिशियल, ये वाला आपको यहाँ पे आना है और ऊपर मिलेगा साइन इन का ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको अपनी उस आईडी को लॉगिन करना है जो कि यहाँ पे बैन हो चुकी है, ठीक है, मतलब कि जो आपका यहाँ पे सस्पेंड हुआ वो वाली आईडी। ओके, सो गाइस यहाँ पे जैसे आप लोग अपनी आईडी को लॉगिन करोगे ऊपर में देखो जो आपका गेम पे नाम होगा वो दिख जाएगा। ओके, उसके बाद फिर गाइस क्या करना है, आपको सिंपल सा वहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको सबमिट ए रिक्वेस्ट का, सिंपल सा इस पर क्लिक करना। ओके, यहाँ पे आने के बाद गाइस देखो नीचे में एक बॉक्स टाइप का दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे फ्री फायर मैक्स आपको सेट कर लेनी। ओके, इसके बाद फिर गाइस यहाँ पे देखो आपका जो गेम का UID होगा और जो नेम होगा वो खुद ब खुद यहाँ पे आ जाएगा, तो आपको एक बार देख लेना है। फिर टाइप ऑफ रिक्वेस्ट पे आपको क्लिक करना है और गाइस ये जो आपको दिख रहा फर्स्ट नंबर पे गेम वाला आपको इस पर क्लिक करना है। ओके, इसके बाद फिर गाइस यहाँ पे आता है सेलेक्ट ऑफ द टाइम ऑफ प्रॉब्लम, तो गाइस यहाँ पे सॉरी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, तो यहाँ पे गाइस जो सबसे नीचे में आता है टेक्निकल इशू आपको इस पर क्लिक करना है, नहीं तो फिर गाइस यहाँ पे आपको ऐसे ही रहने देना। ओके, इसके बाद फिर गाइस यहाँ पे देखो आपको इस पर टिक कर देना है और गाइस यहाँ पे जो मैंने आपको बोला नोटिस टाइप का लिखने के लिए वो यहाँ पे आपको लिख देना, बोले तो पेस्ट कर देना। ओके, इसके अलावा गाइस यहाँ पे नीचे में आता है ऐड फाइल का ऑप्शन, तो यहाँ पे क्लिक करके आपको वो जो स्क्रीनशॉट दिख रहा वो वाला भी यहाँ पे आपको ऐड कर देनी है और यहाँ पे आपको टिक करना है, उसके बाद फिर गाइस आपको कर देनी है यहाँ पे सबमिट। ओके, तू समझा? हाँ। तो गैस यहाँ पे गैस ये दो तीन काम है जो कि गैस आपको जाके करनी है और गैस यहाँ पे मैंने आपको जो भी बताया वो आपको सिर्फ एक एक बार करना है। ओके, ऐसा नहीं है कि आपको जो है वहाँ पे बार बार रिक्वेस्ट सबमिट नहीं करना है। तो गैस यहाँ पे ये काम करने के बाद गैस क्या हुआ कि आपका रिक्वेस्ट जाएगा गरीना के पास और गैस वो जो है आपकी आईडी को फिर से रिव्यू करेंगे। अब अगर आपकी आईडी सच में फालतू में बैन हुई होगी, आपने कोई भी हैक वगैरह यूज़ नहीं किया है, तो आपकी आईडी जो है वो अनबैन हो जाएगी। पर गैस यहाँ पे अगर आपने अपनी आईडी में हैक वगैरह यूज़ किया था तो आपकी आईडी अनबैन नहीं होगी, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ओके, इसके अलावा गैस यहाँ पे जो अनबैन का प्रोसेस है गैस उसमें काफ़ी टाइम भी लग सकता है, हो सकता है कि OB अपडेट के बाद आपकी आईडी अनबैन हो जाए या फिर हो सकता है कि यहाँ पे करीब एक दो महीने के बाद आपकी आईडी अनबैन हो। ओके, बट गैस यहाँ पे अगर आपके फालतू में आईडी बैन हुई तो वो अनबैन हो जाएगा। इसके अलावा गैस यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अभी के टाइम पे काफ़ी सारे लोगों को फेक मैसेज या फिर फेक मेल आते हैं कि मतलब कि मुझे 500 रुपीज़, 600 रुपीज़ दो, आपकी आईडी अनबैन हो जाएगा गरीना, वो जो है खुद को गरीना का टीम बताता है, मॉडरेटर बताता है। ओके, बट गैस मैं आपको बोल दूँ ऐसे चक्कर में आप लोग मत पड़ना, यहाँ पे अगर आपकी फ्री फायर की आईडी बैन हुई है तो आपको सिंपल सा ये सब काम करने हैं जो कि मैंने आपको बताया। इसके बाद फिर गैस यहाँ पे आपकी आईडी अगर अनबैन होगी तो वो बिल्कुल फ्री में होगा, आपको एक भी रुपीज़ लगाना नहीं पड़ेगा। ओके, तो अगर कोई मेल आपको इस टाइप का आता है जो कि पैसे मांग के अनबैन कराने को बोलता है तो इन चक्कर में आप लोग मत पड़ना। ओके, तो आई होप कि गैस यहाँ पे आपको आज का वीडियो समय में आ चुका होगा एंड गैस आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, चाहे पे न्यू है सब्सक्राइब करें। सो गाइस मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, चलो टाटा बाय, टेक केयर।